हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। नाइन्थ क्लास के विद्यार्थी जो अभी टेंथ क्लास में प्रमोट हुए हैं, तो आरबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ की अगर हम बात करें, जो इस सत्र में नए सत्र 2021-22 के अंदर विद्यार्थी टेंथ क्लास में आए हैं, अब उनको एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना है। आप सभी को पता है एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका है पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर। क्लास फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और अब आगे वाली जो क्लास है उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो सभी क्लासेस के लिए एनसीईआरटी लागू हो चुका है। वैसे तो लास्ट सत्र में ही लागू हो चुका था, लास्ट सेशन के अंदर जो नॉन बोर्ड क्लासेस थी, नाइन्थ क्लास, इलेवंथ क्लास, उनको एनसीईआरटी लागू कर दिया गया था। अब जो बोर्ड क्लासेस हैं, जो क्लास टेंथ है, जो क्लास ट्वेल्थ है, उनको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है। आज मैं साइंस सब्जेक्ट को रिव्यू करने वाला हूं। साइंस की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, जो न्यू बुक आई है मार्केट के अंदर, वो कैसी है, कौन कौन से चैप्टर हैं, फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, बायोलॉजी के कितने हैं, किस हिसाब से आपको इसको पढ़ना होगा, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, क्या आरबीएसई बोर्ड की जो पहले बुक थी उससे कितनी बेटर बुक है, एनसीईआरटी क्यों लागू हुआ है, इन सारे टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो पेशेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। जितना बच्चे को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि इस सत्र के अंदर जो बोर्ड क्लासेस हैं, जो टेंथ क्लास है, जो ट्वेल्थ क्लास है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं टेंथ क्लास की साइंस सब्जेक्ट की बुक को। तो साइंस की बुक को मैं रिव्यू कर रहा हूं। अगर आपका प्यार दिखा, अगर आपने ज्यादा ज्यादा लाइक किया, शेयर किया वीडियो को, ज्यादा लाइक आए इस वीडियो पर, तो मैं सभी बुक्स को रिव्यू करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, क्योंकि मैं खुद एनसीईआरटी स्टूडेंट रह चुका हूं। जब मैं 2011-12 के अंदर था, तो 11-12 मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो मुझे अच्छे से बारीकी से पता है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एक विद्यार्थी था तभी भी मुझे पता था, और आज मैं एक टीचर हूं तभी मैं बता सकता हूं आपको कि कैसे आपको पढ़ना है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे विज्ञान क्लास टेंथ साइंस की बुक है। अब यहां पर इस बार साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्राधिकरण परिषद, यानी एनसीईआरटी लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर पहले आता था आरबीएसई बोर्ड या राजस्थान राजमंडल लिखा आता था, अब जो लिखा आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो एनसीईआरटी की बुक्स होंगी, जितनी भी आपकी बुक्स होंगी, न केवल साइंस की, आपके मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं आपकी, मैथमेटिक्स हो गई है, आपकी इंग्लिश हो गई है, हिंदी हो गई है, संस्कृत हो गई है, सामाजिक हो गई है, सारी की सारी बुक आपकी एनसीईआरटी होने वाली है। देखो भाई, एनसीईआरटी की खासियत क्यों है, राजस्थान प्रदेश में राजस्थान सरकार ने एनसीईआरटी बुक्स को क्यों लागू किया है, जो एनसीईआरटी सिलेबस है इसी को क्यों लागू किया है, उसका रीजन ये है, जब हम आगे जाके कंपटीशन में बैठते हैं, जब हम एंट्रेंस देंगे, आईआईटी जेई आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे, जेई की प्रिपरेशन करेंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आगे जाके हम यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन करेंगे, तो जो आपके जीके और जीएस का जो सिलेबस होता है, या जो आपकी सब्जेक्ट होती है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब जो आपकी आगे जाके सब्जेक्ट होती हैं, उनका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो आखिरकार हमें पढ़ना तो एनसीईआरटी है, जब हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होते हैं और जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो सरकार ने फाइनली अब एनसीईआरटी सिलेबस कर दिया, जिससे कि जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाओ या कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए एनसीईआरटी लागू किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान प्रदेश में एनसीईआरटी सिलेबस क्यों लागू हुआ है। तो जो बच्चे अब सीबीएसई के पढ़ते थे, जो सिलेबस सीबीएसई के बच्चे पढ़ते थे, वो अब आप भी पढ़ेंगे, अब सीबीएसई के बच्चों में आप में कोई फर्क नहीं है। तो 10th क्लास की सीबीएसई बुक का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, सेम वैसा ही आपका रहने वाला है। अब यहां पर मैं आपको बुक दिखाता हूं, बुक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसका पूरा इंडेक्स, प्रस्तावना इसकी पूरी देख रहे होंगे। अब लगभग इसमें 16 चैप्टर हैं, और भाई पहले से काफी बेहतरीन बुक है, शानदार बुक है। इसमें ग्राफिक्स हैं, डायग्राम्स हैं, कलर डायग्राम्स हैं, बहुत शानदार ग्राफिक्स हैं इसके अंदर। तो यहां पर इंडेक्स में आप देख रहे होंगे लगभग 16 चैप्टर हैं आपके, टोटल 16 चैप्टर ही हैं। अब यहां पर जो पहला आपका चैप्टर वो कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। यस, पहला चैप्टर आपका कौन सा है साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ये केमिकल रिएक्शन वाला आपका चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, इसको शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत जल्दी आपको पहले चैप्टर की वीडियो मिलने वाली है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। ये जो चैप्टर था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो एक अलग चैप्टर था, एक टॉपिक था, अब यहां पर एक कंप्लीट चैप्टर बना दिया, अम्ल, क्षार और लवण। नेक्स्ट यहां पर चैप्टर है धातु अधातु। यस, बहुत शानदार चैप्टर है धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, ये आपका तीसरा चैप्टर होने वाला है।
और चौथा चैप्टर जो आपका है फोर्थ नंबर का वो है कार्बन उसके यौगिक यानी कार्बन और उसके कंपाउंड। तो यहाँ पर चार चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी जो आवर्त सारणी है तत्वों का जो वर्गीकरण है जो एलिमेंट की नॉलेज है उस इस चैप्टर के अंदर मिलेगी। तो लगभग पाँच चैप्टर हैं जो आपके केमिस्ट्री के होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं। तो भाई आपकी साइंस को 3 भागों में बांट देता हूँ। एक हो जाएगी आपके बायोलॉजी हो जाएगी, एक हो जाएगी आपके यहाँ पर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, ठीक है भाई केमिस्ट्री हो गई। एक हो गई आपके यहाँ पर फिजिक्स, क्या हो जाएगी फिजिक्स, ठीक है ना भाई फिजिक्स हो गई, ठीक है। तो एक तो आपके बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, तो लगभग 5 चैप्टर हैं, मतलब 5 चैप्टर ही हैं इसके अंदर। पहला आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षार लवण, तीसरा धातु अधातु और चौथा कार्बन उसके यौगिक और 5वां है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बहुत शानदार चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरा IUPAC पूरा आवर्त सारणी बहुत गजब तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आप इंडेक्स में देख रहे होंगे स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 6 जो आपका है जैव प्रक्रम ये बायोलॉजी का है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं ये भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में चर्चा की गई है। अब चैप्टर नंबर 10, तो यहां पर दो देखो 6, 7, 8, 9 ये जो चैप्टर हैं ये आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं। इसके अलावा अब आ जाओ चैप्टर नंबर 10 पर प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, ये चैप्टर आपके 9 नंबर का था जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी उसमें 9 नंबर का चैप्टर था लाइट। अब इसको अलग कर दिया, नाम इसका चेंज कर दिया प्रकाश परावर्तन अपवर्तन जो हमारे टॉपिक हैं चैप्टर के। चैप्टर नंबर 11 है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वहां पर लाइट में कंप्लीट था पूरा, अब यहां पर अलग चैप्टर कर दिया मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई और रंग बिरंगा संसार, काफी शानदार चैप्टर है ये भी। नेक्स्ट है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, 13 नंबर का जो चैप्टर है 13 नंबर का वो आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहां पर लगभग जो है आपके चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 के बाद 11, 12, 13 ये आपके फिजिक्स के चैप्टर होने वाले हैं। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत वाला चैप्टर आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, अब ऊर्जा के स्रोत इसको बायोलॉजी में लेंगे हम ना, ऊर्जा के स्रोत हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये तीनों चैप्टर चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 ये बायोलॉजी के अंदर आ गए। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इंडेक्स है, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं पहले चैप्टर के, देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम देखते हैं। अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं इस बुक की क्या खासियत है, इस एनसीईआरटी बुक की खासियत है, यहां पर ग्राफिक्स से आपको डायग्राम दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक डायग्राम है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, एक मैग्नीशियम एलिमेंट होता है जिसका रिबन होता है उसको अगर आप उसका दहन करोगे जलाओगे तो क्या बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डायग्राम बहुत शानदार तरीके से दे रखा है, मतलब सारे के सारे डायग्राम चाहे वो आप रासायनिक समीकरण की कोई हो और बहुत अच्छे से समझा रखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अलग डार्क कलर से बता रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभिकारक परमाणु ये सब जो है मतलब अभिक्रियाओं को अलग से बहुत सारे कलर है इसमें, बहुत सारे कलर हैं, अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ों को समझा रखा है, मतलब नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से नोट्स ही हैं ये, नोट्स ही हैं और बहुत शानदार बुक है। 10th में तो इतना कोई ज़्यादा आपको इतनी डिटेल में या इतना समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सबसे शानदार चीज़ है, बाकी 11th 12th में हमें रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक पैराग्राफ में से काफ़ी सारी डेफिनेशन सामने निकल के आती हैं, लेकिन 10th में आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बुक को भी अच्छे से पढ़ोगे तो शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, प्रत्येक चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो यहां पर आप किसी भी चैप्टर को खोल के देख लो, सारे के सारे चैप्टर जो हैं बहुत रंग बिरंगे हैं, बहुत अच्छे से हैं। अब यहां पर मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, एक चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न आएंगे। तो यहां पर अभ्यास प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन के ऊपर जो अभ्यास प्रश्न है वो लगभग सभी दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभ्यास क्वेश्चन देने के बाद में यहाँ पर क्रियाकलाप भी दे रखे हैं, क्रियाकलाप का मतलब होता है एक तरह से प्रैक्टिकल रूप से क्या हो सकता है वो यहाँ पर क्रियाकलाप भी दे रखा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको करने होंगे, अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो उसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है समझा है तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और रेफरेंस बुक ले सकते हैं, ठीक है भाई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो एनसीईआरटी की खासियत ये रहती है कि हर लाइन का महत्व होता है, याद रखना हर लाइन का महत्व होता है, प्रत्येक लाइन का, अगर आपने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया छोड़ दिया।
क्योंकि हर लाइन का महत्व है, हर लाइन में से, हर पैराग्राफ में से एक डेफिनेशन निकल के आएगी। और यहाँ पर क्या होता है कि जो डेरिवेशन वगैरह होती हैं या केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शन को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है, दो तीन स्टेप के अंदर होती हैं, तो आपको उनको अच्छे से सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है। अब काफ़ी बच्चों की समस्या होगी, सर इसको हम कैसे पढ़ें, खुद पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें या हम किसी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, टेंथ की अगर साइंस की बुक की अगर हम बात करें ना, तो अगर आप इसको खुद भी पढ़ते हो ना, आप खुद भी पढ़ते हो, सेल्फ भी पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, एक बार में नहीं दो बार में आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगी। हाँ, आपको थोड़ा दिक्कत आएगा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, आपको पता है लाइट के अंदर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो परावर्तन अपवर्तन है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा विद्युत में आप प्रतिरोध पढ़ेंगे, और भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, विद्युत धारा पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ी हेल्प लेनी होगी, आपको फॉर्मूलों को समझना होगा। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने स्ट्रक्चर को समझा है, आपने डायग्राम को समझा है, तो आप थ्योरी अपने आप लिख पाएंगे। ठीक है भाई, तो इस बुक बहुत शानदार है, शानदार ग्राफिक्स है और डायग्राम पूरे कलर्ड हैं, प्रत्येक चीजों के डायग्राम दे रखे हैं, चाहे आप फिजिक्स में देख लो, चाहे बायोलॉजी में देख लो, किसी में भी देख लो। तो यहां पर साइंस की बुक बहुत शानदार है, बहुत कलर्ड है, अच्छी है, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। और एनसीईआरटी अगर आपने 10th क्लास की बुक पढ़ ली तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप कॉम्पिटिशन लेवल पर जाओगे, क्योंकि जो एसएससी, बैंक, रेलवे ऐसी एग्जाम होती है, आरपीएससी की कोई एग्जाम होती है, पटवार की, ग्राम सेवक की, एसआई की, पुलिस की, ऐसी जो एग्जाम होती हैं उसमें 10th लेवल की साइंस आती है। यहां तक कि भाई यूपीएससी में भी लिखा होता है कि जो सामान्य विज्ञान है वो 10th स्टैंडर्ड का आएगा। तो आपको अगर आपने 10th को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई 10th की साइंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जल्द से जल्द आपको चैप्टर फर्स्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो नए सेशन में 10th क्लास में आए हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपकमिंग वीडियोज के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।